नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेश हूं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज हम खड़े हैं माधुबारी इलाके में, जहां पर जानते हैं कि वाल्मीकि जयंती पे क्या उत्सुकता यहां पे जनता में जानने गई है। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे इस वाल्मीकि जयंती के पावन पर्व पे वाल्मीकि जयंती किस तरीके से मनाई जा रही है। ये वाल्मीकि जयंती नहीं है बल्कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव है। आज पूरे देश के अंदर और यूं कहिए कि पूरे विश्व के अंदर जो भगवान वाल्मीकि ने एक महाग्रंथ लिख कर दिया, उस महाग्रंथ से पूरी दुनिया को, या यूं हम कहें कि हिंदू समाज के लिए भगवान राम की उत्पत्ति हुई थी। यदि भगवान वाल्मीकि ना होते तो राम की उत्पत्ति नहीं होती और हिंदू समाज के लिए भगवान नहीं मिलते। और इसी तरह से आज पूरे विश्व में जो आज पूरा संसार चल रहा है, पूरा भारत देश चल रहा है, इसमें किस प्रकार से समाज के अंदर संबंध कैसे हो, भाई भाई का संबंध कैसे हो, पिता पुत्र का संबंध कैसे हो, पति पत्नी का संबंध कैसे हो, ये सारे व्यवस्थाएं रामायण के द्वारा भगवान वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में बताई है। उसके साथ साथ भगवान वाल्मीकि ने सत्य और अहिंसा का सबसे पहले पाठ पढ़ाया, क्योंकि जिस वक्त दया करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस समय क्रोध पक्षी को एक बहली ने मारा और उसके बाद एक अनायास ही भगवान वाल्मीकि के मुँह से जो शब्द निकले वो करुणा और दया भाव के ही थे। और तभी से पूरी दुनिया के अंदर एक कविता और एक शब्द की उत्पत्ति हुई भगवान वाल्मीकि द्वारा। लेकिन भगवान वाल्मीकि ने ये सब कुछ बताने के बाद हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन आज भारत के अंदर भगवान वाल्मीकि के लिए जो सम्मान मिलना चाहिए था इस समाज के अंदर नहीं मिला। आज वाल्मीकि रामायण की जगह तुलसीकृत रामायण लाकर रख दी गई है देश के अंदर, उसी तुलसीकृत की आज पूजा की जाती है। आज पूरी दुनिया में कुछ शासक लोग भगवान वाल्मीकि के मंदिरों में जाकर घंटा तो जरूर बजा रहे हैं, लेकिन भगवान वाल्मीकि के चित्र अपने घरों में या अपने मंदिरों में लगाने से उन्हें पूरी तरह से परहेज है। वास्तव में अगर वो भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं तो उनको अपने घरों में और अपने मंदिरों में भगवान वाल्मीकि के चित्र और मूर्तियाँ स्थापित करना चाहिए। और साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं इतिहास में पहली बार जो कि मूर्ति की स्थापना की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। वाल्मीकि स्वामी जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यह मांग वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना, यह मांग बहुत समय से चल रही थी। पिछली वर्ष 2019 में यह मूर्ति की स्थापना की गई है और यह बहुत जरूरी था। यह मूर्ति की स्थापना करके पूरे वाल्मीकि समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं करा। हमारे जो समाज से भी लोग थे उन लोगों ने यह वाल्मीकि भगवान की स्थापना की गई है। यह बहुत ही कम चीज है। अरे वाल्मीकि समाज की स्थापना और उनके कारण आज समाज के अंदर और भी मांग है कि जो तमाम एक छोटे छोटे से जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी नहीं करा, उनके नाम से स्कूल बना दिए गए, उनके नाम से गेट बना दिए गए, उनके नाम से बड़े बड़े विद्यालय बना दिए गए, तो वाल्मीकि जी के नाम से आपने क्या करा। ये उनके नाम से, भगवान वाल्मीकि के नाम से और भी संस्थान और भी जो स्मारिका बनाई जानी चाहिए, ये पूरे समाज की मांग है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मूर्ति की स्थापना सर किसने की है? सर, मूर्ति की स्थापना किसने की है? मूर्ति की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश सभाई मधु संघ के जो प्रदेश हमारे जो जिला के महासचिव है राजेंद्र कुमार सुंदर सिंह, ये इनके द्वारा इस चौराहे का निर्माण कराया गया है और इन्हीं के द्वारा आज आप देख रहे हैं इतना भव्य जो बनाई गई है, ये भव्य इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। इस मंदिर में जो कुछ भी इनका पैसा, निजी पैसे से इन्होंने अपना बनाया गया है। सर, ये पैसे किसका है? सरकार का? ये सरकार का पैसा नहीं है, हमारे राजेंद्र कुमार सुंदर सिंह है, ये इनका पैसा लगाया गया, इनका खुद का पैसा लगा इसमें। सर, तो मन में कुछ उत्साह है इस मूर्ति को लेके, वाल्मीकि स्वामी जी की मूर्ति लगी है। ये बरेली में ये पहला ये चौराया और पहला जो है मूर्ति भगवान वाल्मीकि जी की रखी गई है, जो हमारे संगठन के महासचिव राजेंद्र कुमार सुंदर सिंह जी के द्वारा रखी गई है और इसमें पूरे बरेली में खुशी का माहौल है सभी वाल्मीकि में। आइए साथ ही साथ और भी चीज जानते हैं राजेंद्र कुमार सुंदर सिंह जी से, जिन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की है। सर, पहले तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने वाल्मीकि समाज के लोगों को एक वाल्मीकि जयंती पे एक तोहफा दिया है। सर, जानना चाहते हैं कि इस स्थापना के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं बचपन में जब पहली बार अपने पिता के संग हरिद्वार गया था तो मैंने वहाँ पे एक मूर्ति लगी देखी थी चौराहे पे। जब मैं उसमें बहुत होता था, 6 साल का हुआ, 7 साल का, मेरे मन में तब से उमंग जागी थी कि मैं ये एक ऐसा काम करूँगा। इसको मैंने चौराहे को बहुत मन से निगम के द्वारा स्वीकृत कराया और इसकी जितनी भी जो
छतु वगैरह है ये सब मैंने मूर्ति से लगवाई और मैंने अपने समाज के लिए ये आज तैयार करके सबको दर्शन हेतु खोल दिया गया है। अब ये इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अब जो मेरे समाज की धरोहर है। और आज मैं एक बात की और घोषणा करने जा रहा हूँ कि माननीय शहर विधायक श्री अरुण कुमार जी से मेरा वायदा हुआ है कि शहर के कहीं बीचों बीच एक द्वार बनने जा रहा है बहुत जल्दी, जो महर्षि वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसकी आज विधायक जी ने घोषणा भी करी है। जो बड़ी भिन्नता है हमारे हिंदू समाज के अंदर कि जिस तरीके से और हम देवी देवताओं को पूजते हैं, वैसे हमारे महापुरुष महर्षि वाल्मीकि जी को भी जो है हम लोग पूजे और सभी लोग जो है वो किसी जो महापुरुष हो जाते हैं वो किसी एक जाति के नहीं रहते। सर इसकी वजह क्या है कि समाज में वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जी को नहीं पूज रहा है जी? सर इसकी वजह क्या है? सर कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग वाल्मीकि समाज के लोग ही मूर्ति को स्थापित नहीं करते अपने घर में या उनको पूजते नहीं है, वाल्मीकि जी को पूजते नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा सीधी सी बात है कि श्रवण संस्कृति जो कि हमारा समाज है, दलित समाज है, हम लोगों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई हमने स्वयं लड़ी है। हम लोगों को नीच नाम दिया गया था, हमने सम्मान पूर्वक नाम अपना लिया और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी देन है कि जिसको उस रूल कास्ट का अछूत समाज के व्यक्ति जिनको भी अपना लेते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। आप बुद्ध को देख लीजिए, जितने साहित्य ब्राह्मणों ने लिखे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उसको भंगी और चमारों का धर्म कहने लगे और ब्राह्मणों ने बुद्ध साहित्य लिखना बंद कर दिया। वही हाल वाल्मीकि जी का, हमने अपना लिया। ब्राह्मण समाज कहता कि वो हमारे हैं, ब्रह्म और नारद के भाई हैं, लेकिन दलित समाज ने अपना लिया इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। आज भी वाल्मीकि की बस्तियों में जहाँ जहाँ भी महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियां लगी हुई हैं कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति नमन करने नहीं जाता। और आज पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी रामलीलाओं का मंचन होता है कहीं पे भी राम वाल्मीकि रामायण के द्वारा मंचन नहीं किया जाता, केवल राधे श्याम रामायण या तुलसीकृत रामायण के आधार पर मंचन होता है। यह सीधी सीधी बात यह है कि ये जाति आधारित गणना भले ही लोकतंत्र कायम हो गया हो इनके अंदर आज भी कायम है। जिसको हम मानेंगे जो उसको उनको छोड़ते चले जाएंगे, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी ने ज्ञान का रास्ता दिखाया, जरूर मार्ग दिखाया, हम आगे बढ़ेंगे। लव कुश को भी वाल्मीकि जी ने काफी ज्ञान दिया था, तो क्यों वाल्मीकि समाज को लोग क्यों गिरने की नजरों से देखते हैं? सर जानना चाहेंगे क्यों देखते हैं? इंसान नहीं होते? हाँ इंसान सब कुछ होते हैं, लेकिन ये सोची समझी राजनीति है, सोची समझी रणनीति है इनकी। देखिए जितने भी मंदिर होंगे विश्व के अंदर उनमें वाल्मीकि जी की मूर्ति नहीं होगी। आप सर्वे कर लीजिए, इधर देखिए। जो महर्षि वाल्मीकि स्वामी थे उन्होंने लव कुश को पाला था, तो रामायण को भी पूजा जाता है, राम जी को भी पूजा जाता है, लव कुश को क्यों नहीं पूजा जाता? सीता जी को भी पूजा जाता है, लव कुश को क्यों नहीं पूजा जाता? आज के मंदिर में किसी की भी राम जी की सीता जी की पूजा होती है, बजरंगबली की पूजा होती है, लव कुश की पूजा क्यों नहीं होती है? ये इसी प्रकार ये छुआछूत की है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली थी राम लव कुश ने। समाज की मूर्ति की स्थापना करके आप हमारे वाल्मीकि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं मूर्ति लगा के ये अपने समाज को मैं भेंट कर चुका हूँ, और दूसरी चीज़ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज महर्षि वाल्मीकि जन्म उत्सव के अवसर पर के जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी थी तो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे हिंदुस्तान में मात्र एक ही छुट्टी थी जिसे हम कहते थे वाल्मीकि जयंती छुट्टी, उसे उनके द्वारा बंद कर दिया गया है, उसे वो तत्काल लागू करें। दूसरी चीज़ मैं अपनी यूपी की सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के अंदर जब सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं तो उस मूर्ति में उस मंदिर के अंदर थोड़ा ऊपर चढ़ जिस भगवान को लव कुश को शिक्षा दी और सीता माता को चल दिया
वह हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी थे, उनकी भी मूर्ति की स्थापना अयोध्या के राम मंदिर में होना चाहिए, जिससे कि वाल्मीकि समाज को एक देखने में अच्छा लग सके। धन्यवाद जी सर। जैसे सोन जाति के द्वारा एक प्रचार किया गया है बड़ा लंबे समय से, और हम सब उसे सुनते चले आ रहे हैं। मैं खुद पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने समाज के अंदर जो गलत फहमियाँ पैदा करी महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में, जिन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी डाकू हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब किस योग के जिस योग की जो बात है महर्षि वाल्मीकि जी वाली सदियों पुरानी, तो उस वक्त लोगों पर कपड़े थे नहीं पहनने के लिए, कपड़ों की जगह पत्ते लपेट के रहते थे, सोना चांदी पैसा था नहीं, तो उस वक्त क्या लूटते थे महर्षि वाल्मीकि जी। मैं सोच जाती के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके का जो गलत जो प्रचार करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में, भाई क्या लूटते थे उस वक्त, जो बताइए, ना सोना था ना चांदी थी ना पैसा था ना कुछ और तो इतनी फैसिलिटी की चीज थी, तो उन्होंने जो गलत प्रचार करा महर्षि वाल्मीकि जी के लिए, और उन लोगों को सबक लेना चाहिए, जैसे और भगवानों को मानना हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी की भी पूजा करना चाहिए। शिवाजी संदेशी अपने सहयोगी सत्यम के साथ सिटी न्यूज़ बरेली।